नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की। सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को 40 साल की उम्र में निधन हो गया। वो टीवी के जाने माने अभिनेता थे। उनके यूं अचानक चले जाने से फैंस और उनके करीबियों को झटका लगा है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस -13 के विजेता रहे थे। इसके अलावा वो जाने पहचाने से ये अजनबी और लव यू जिंदगी बालिका वधू में भी नजर आए थे। सिद्धार्थ ने टीवी शो बाबुल का अंगना छूटे नाच से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। वही सिद्धार्थ शुक्ला का अध्यात्म से भी था गहरा लगाव। उनकी मां रीता शुक्ला ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है और राजयोग ध्यान के लिए अधिकतर वे माउंट आबू जाया करती थी। ओम शांति। मैं संस्था से बहुत नया जुड़ा हूँ। मेरी जो माताजी हैं वो 2 साल से हैं योग में। और फिल्मी दुनिया का उभरते सितारे सिद्धार्थ शुक्ला का अध्यात्म के लिए वे माउंट आबू तो आते ही थे, साथ ही वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुंबई के सेवा केंद्रों पर भी जाया करते थे। उनकी योग में ज्यादा रुचि थी, वे एकांत में रहना पसंद करते थे। संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने शोक संदेश भेजकर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की है, साथ ही उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पहली बार वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति वन में 3 वर्ष पूर्व आए थे, जबकि दूसरी बार वे 2018 में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। बाय। आबू तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ। आबू तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ। जिसको देवताए तरसे वो भाई जी आए हैं जो टेलीविजन एक्टर फिल्म एक्टर है। आप सभी बालिका वधू, दिल से दिल तक इत्यादि में लीड रोल कर चुके हैं। सीरियल खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के विनर रह चुके हैं। फर्स्ट एशियन विन बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड 2005 में उन्होंने लिया है। फिल हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से बहुत महत्वपूर्ण किरदार प्ले। फेमस टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया, बहुत दुखद घटना है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान से उनका गहरा लगाव था। उनकी मम्मी जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, और 2017 में जब आई थी तो उस समय सिद्धार्थ भी साथ आए थे। तब कुछ उनको तनाव जैसे था तो उन्होंने उनके लिए राजयोग का भी कोर्स करवाया था। वहाँ पर 4-5 दिन रुके थे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड में, और वो योग काफ़ी पसंद करते थे और एकांत में ज़्यादा रहना चाहते थे कुछ समय तक। और इसके बाद वो चले गए और फिर वहाँ भी मुंबई में भी वहाँ पे संस्थान में अधिकतर जाते रहते थे। विले पार्ले जो हमारे ब्रह्मा कुमारी की ब्रांच है वहाँ पे अधिकतर जाते थे, और जब बिग बॉस में जाने वाले थे उसके पहले भी गए थे और बिग बॉस विनर बन के भी आए थे, तब भी आए थे। और इसके बाद 2018 में भी यहाँ पे एक इंटरनेशनल कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने आए थे। तब जो संस्था की पूर्व प्रमुख प्रशासिका थी राजयोगिनी दादी जानकी,
उनके साथ काफ़ी उन्होंने समय बिताया था और उनसे काफ़ी चर्चा अध्यात्म की थी। एक बहुत संजीदा इंसान थे और दूसरों की अच्छाई के लिए हमेशा वो सोचते थे। इस तरह से उनका चला जाना निश्चित तौर पे एक दुख देने वाला है, एक स्तब्ध कर देने वाला है। और हमारी संस्था की प्रमुख राजोगिनी दादी रतन मोहिनी ने शोक संदेश भेजा है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दें और जो उनका पूरा परिवार के ऊपर वज्रपात हो गया है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का पूरा परिवार उनके परिवार के साथ है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस दुख की घड़ी में उन्हें शक्ति दे। ओम शांति। न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।